हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं के जयंगवासिनी। बुद्ध पूर्णिमा के आपको बहुत बहुत बधाई। आज बुद्ध पूर्णिमा है, आज हम भी पूरी तरह से तैयारी में लगे हैं कि आज शाम को बुक्स बटेंगे, लोगों को खाना बटेगा, बच्चों को सबको पूरी गोराई में खाना बटेगा, सब कुछ होगा। क्योंकि कहते हैं बुद्ध भगवान का वचन है कि जो इंसान छीन के खाता है उसका पेट कभी नहीं भरता है, लेकिन जो बाँट के खाता है वो कभी भूखा नहीं रहता। ये वचन हमें सबको आगे बढ़ाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने वो मिसाल हासिल की थी जो शायद कोई नहीं कर सकता। उन्होंने हमें भेदभाव करना हटाया था, और आज उनके लिए कहते हैं ना बुद्ध पूर्णिमा, मतलब आज के दिन उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। उनका एक ही था कि बांट के खाओ, लोगों के साथ मिल के रहो, बांट के खाने में बहुत भलाई है। दूसरा, कल रात को मेरे को जिसको जिसको मंत्र देना था दे दिया। वो मंत्र बहुत एक्टिव है, अभी भी अगर कोई शक्ति लेगा, इतना अच्छा पावरफुल मंत्र एक्टिव करके मिला है कि वो मंत्र ज़्यादा नहीं, सिर्फ 41 बार पढ़ना है, और उसको दिन भर में जितनी बार पढ़ेंगे, अगर समझो आपको दिन भर में लाख रुपए की भी ज़रूरत है ना, तो भी वो मंत्र इतना एक्टिव है कि दिन भर में आपको लाख रुपए जमा करवाएगा। बस उसकी शक्ति लेनी ज़रूरी है, कोई भी शक्ति ले सकते हैं, करिश्मा परी, सुल्तान जिन, किसका भी, लेकिन वो सारे मंत्रों का एक मंत्र मिला है कामाख्या त्रिपुर सुंदरी का, जो पूरी तरह से एक्टिव है। हमने जिसको दिया है उन सबको भी यही कहेंगे कि वो मंत्र को करते रहो। अभी वो मंत्र मिला है तो तुरंत नहीं, आज का आज अभी मंत्र मिला है तो 72 घंटे में वो आपके करते करते एक्टिव होगा, और 72 घंटे में आपकी कोई भी विश पूरी होगी, समझे? ऐसे करो। और जैसे कहा है ना कि और ये जो भी शक्तियाँ लेनी आज ले सकते हो, आज बुद्ध पूर्णिमा है। कल रात को मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि मैं 5 जनों को बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। देखिए, हर एक इंसान का एक उसूल होता है और हर एक इंसान की इच्छा होती है, समझ रहे हो? मुझे बस एक बात खलती है कि पता नहीं कौन है, किसके अंदर इतनी सुलेमानी रहमानी कीड़े हैं, या कौन ऐसा बायलागिरी कर रहा है, कौन ऐसा बायला है, भड़वा है, माधर चोद है, रंडी की औलाद है, जिसकी माँ ने 10 भड़वों के पास जाके ऐसे भड़वे को पैदा किया है, ऐसे दलाल को पैदा किया है, जो मेरे केशव के पापा के दिमाग में ये डालता है कि ये औरत तेरे नाम पर सारा गाड़ी वाड़ी ले के तेरे को फंसाने को देख रही है। अबे चूतियो, चूतमारी के, जब वो आदमी नशे में घूम रहा था तब तुम्हारी माँ क्या, तुम्हारी माँ किसी भड़वे के साथ सो रही थी, या तुम्हारा दिमाग कहीं गया था? बायले साले भड़वे लोग, माधर चौद, हाँ तुम लोग अच्छा नहीं देख सकते, चढ़ाते हो। मैंने आज अब एक काम किया है, क्योंकि कल मेरे केशव के पापा को क्या कुछ बातें बुरी लगी, तो वो क्या ना, जब ड्रिंक करते हैं ना तो मुझे सारी बात बताते हैं, तो वो गुस्से में उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि जैसे उन्होंने कहते हैं कि तू मेरे नाम पर सिर्फ सामान ले रही है, मेरी चीज़ें हैं कहाँ, और ये सब चीज़ें। पहली बात, एक बात बताओ, जो फंसाने वाला आदमी रहता है ना, वो आदमी कभी भी आपके नाम पे पूरा पैसा देके सामान नहीं लेगा। और विद्या देवी इतनी गिरी हुई नहीं है यार कि 5-10 लाख का सामान नहीं ले सकती है, और अपने नाम पे नहीं ले सकती है। बस ये था कि वो हैं घर में, हमारे मेरे आदमी है, तो मैं उसके नाम पर ले रही हूँ, बाकी मेरे मन में कोई पाप नहीं है। मैं है ना, मैं सामान, गहने, कपड़े और ये गाड़ी घोड़ा, घर, मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं रखते, मेरे लिए इंसान वैल्यू रखते हैं, समझ रहे हो? ये जो लोग चढ़ाते हैं ना, ये लोग, एक बात बताऊँ आपको, शायद ये पता नहीं होगा, जो लोग उनको चढ़ाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, भिखारी लोग भिखारी जैसे ही सोच सकते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास विद्या देवी नहीं है ना, उन लोगों को इस बात की जलन है कि इसके पास कैसे विद्या देवी आ गई, उन लोगों के पास विद्या देवी नहीं है, ये बात है। क्योंकि मैं जिस अभी बीच में जो गाँव में भी गई थी, जिस गाड़ी से भी गई थी, वो गाड़ी वाला भी जय भीम वाला था, कट्टर। जब मैं अपने केशव के पापा से ऐसे बात कर रही थी स्पीकर ऑन करके, तो उसने भी बोल दिया कि ऐसा नसीब तो हमको चाहिए। मतलब हर कोई जब ये सुनता है कि मैं केशव के पापा के लिए इतना सारा कुछ करती हूँ, तो हर के दिमाग में ये आता है कि हमको भी ऐसा नसीब चाहिए, हमको भी ऐसा नसीब क्यों चाहिए, हाँ। और इस बात पर अगर मुझ पर ब्लेम करो, अच्छी बात है, मैं जो भी चीज़ें दिलाती हूँ ना, मेरे मन से। और दूसरी बात, एक बात बताती हूँ, पैसे मेरे अकाउंट से जाते हैं। अगर मेरे अकाउंट से पैसे जाके अगर मैं रस्ते के भिखारी को भी करोड़ रुपए का घर लेके दे दूँ ना, उसमें कोई इनकम टैक्स वाला, कोई वकील, कोई पुलिस, कोई भी आरबीआई वाला सवाल नहीं कर सकता, जब तक कि आपके अकाउंट से पैसे नहीं जाए। प्रपोज़ आप कोई काम नहीं कर रहे और आपके अकाउंट से सामान के लिए पैसे जा रहे, तब आप पर इंक्वायरी होगी भाई आपके पास कहाँ से है। बाकी अगर आपको कोई एक भिखारी को अगर अपनी ज़मीन जायदाद गिफ्ट कर देना, उसके लिए कोई कानून उसको सजा दे नहीं सकता, कोई कानून उसे ये नहीं पूछ सकता कि भाई तुझे किस बेसिक पे गिफ्ट मिला। हालांकि मेरे केशव के पापा को शर्म आती है सबको ये बताने में कि मेरी बीवी मुझे देती है। क्यों? जब एक पति अपनी पत्नी के नाम पर घर खरीद लेता है, अभी एक मेरे भैया हैं मीरा रोड में, मोहित के पापा,
उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ए टू जेड सामान अपनी बीवी के नाम पे रखा है। उनकी बीवी कौन सा काम करती है? करती है क्या कोई काम? लेकिन है उनके नाम पे। ऐसे नहीं होता है। जलने वालों को एक ही बात बोलूँगी, बायले लोगों को, कि बायलागिरी बंद करो। मेरे को बोला कल हाजिदा ने, माँ ये आदमी है ना जो दादा को चढ़ाता है ना, ये आदमी एक नंबर का बायला है। भगवान ने सिर्फ इसको आदमी की शक्ल दी है, अंदर से पूरा औरत है। ये आपकी वीडियो देखता है और उसको लगता है कि आप इसको ही टाने तोने मारते हो। तो ये क्या करता है, उनको चढ़ाता है कि देखे तुझे फंसा रही है। फंसाना किसको बोलते हैं? बोले मैं फंसाना जिस तरह आरिफ ने फंसाया, कि उसके नाम पे केशव के पापा के नाम पे लोन लेके गाड़ी लेके खुद घूम रहा है। ऐसी बात है, और गाड़ी दे नहीं रहा है। मैं तो लोन पे भी नहीं ली हूँ, मैं तो बल्कि उल्टा डरना मुझे चाहिए कि कल अभी कभी कभी कल भगवान ना करे गाड़ी वाड़ी उठा के लेके गए तो मैं किसको कंप्लेंट करने जाऊँगी। लेकिन मेरे मन में ये गाड़ी, सोना, चांदी, घर का लालच नहीं है, क्योंकि भगवान ने मेरे दोनों हाथ पर सलामत रखे ना, तो मैं और बना लूँगी। मैं 0 से 100 नंबर पे आना जानती हूँ। मेरा बेटा नहीं हुआ 18 साल का, वो हो जाएगा ना तो मुझे ज़रूरत नहीं किसी के नाम पे कुछ करने का। और मैं करूँगी भी नहीं आज से, मैं आज से अब कुछ करूँगी भी नहीं, मैं करूँगी अपने नाम पे। ज़रूरत नहीं है, जब 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 इंसान को दूसरों की बातें सुननी है, दूसरों का हगा हुआ खाना है उठा के, तो उसी का खाओ, उसी का देखो। देखो वही आएंगे क्या तुम्हारे बुरे वक्त पे, आड़े वक्त पे काम? देखते कौन काम आता है, मुझे नहीं पसंद है। देखो मैं एक बात बताती हूँ, मैंने कल भी कहा आज भी कहा, मुझे इस दुनिया के 5 इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे वो इंसानों के लिए माफ़ी भी नहीं है, मुझे वो इंसानों से कोई, मेरा एक दिल है, मेरा दिल टूटा है उस जगह से। तो उन 5 इंसानों के लिए अगर मुझे कोई हमदर्दी चाहेगा या कोई चाहेगा कि मैं इन लोग के लिए सोचूं, तो बिल्कुल भी नहीं, सॉरी। एक तो मेरी खुद की सगी माँ, जिससे मेरा 5 साल पहले रिश्ता टूट चुका है, एक मेरा पति जिससे मेरा तलाक हो चुका है, एक आरिफ शेख जिससे मैंने केस कर दिया है, एक केशव के पापा का भाई और एक केशव के पापा की बीवी। इस 5 इंसानों के लिए अगर ज़िंदगी में कोई आके, भगवान भी आके कहेगा ना कि बेटा इनको माफ़ कर दो, सॉरी, फिर मैं उस इंसान से रिश्ता तोड़ लूँगी, लेकिन इन लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। जीते जी तो मैं तो इन लोग पर टाइम भी वेस्ट नहीं करती, मैं इन लोगों के बारे में सोचना सुनना भी मंजूर नहीं करती। मैं देखती हूँ मेरे बारे में सब पूछते हैं करते, मुझे बुरा लगता है कि क्यों मेरे बारे में पूछते, जब मैं आपके बारे में बात नहीं करती, मेरे बारे में क्यों पूछते? मत पूछो ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं उस औरत से तो 5 साल पहले ही मेरे लिए मर चुकी है, चलो उसका मेरा कोई लेना देना नहीं। जिससे मेरा तलाक हुआ उससे भी कोई लेना देना नहीं, बच्चों से लेना देना, बच्चों से बात बात करते तो भी मुझे तकलीफ़ होती है, लेकिन तो भी मैंने अपने बच्चों से कभी शिकायत नहीं की कि बेटा इनको जवाब दो कि मेरे बारे में नहीं पूछने का। क्यों, वो उसका पप्पा है, मैं उन लोगों के बीच में नहीं बोल सकती, लेकिन तो भी मुझे तकलीफ़ होती है बात की, कि मेरे बच्चे उनको बोल सकते कि पापा मेरी मम्मी के बारे में मत पूछो, हमारे बारे में पूछो, हमसे जो बात करना, ठीक है जाने दो वो। उसके बाद आया आरिफ शेख, उसको भाई बना के रखा था, उसने भी मेरे साथ ऐसे किया, उसको तो मैं ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन इन सबके लिए, और ये केशव का पापा बोलते हैं मेरे भाई ने तेरा क्या बिगाड़ा है, अरे बिगाड़ा? अगर मैंने केस नहीं किया होता तो वो बंदा तुमको मेरे पास नहीं आने देता। तुम्हारी बीवी ने क्या बिगाड़ा? उसने मेरे बच्चे को नाजायज़ कहा, क्यों कहा? मैंने कहा नहीं कहा ना, क्यों? सब कुछ देखते ताकते भी वो चुप रही, क्यों नहीं आई उस वक्त? वो ऐसे थोड़ी होता है, मैं कैसे लड़ लेती हूँ? तो लेकिन देखो जाने दो, जिसने क्या किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि इन 5 के लिए हमदर्दी मेरे से उम्मीद रखना, सॉरी। मैं जब तक जिंदा हूँ और जब तक जिंदा रहूँगी, इन 5 के लिए मेरे दिल में माफ़ी नहीं है, और मैं इनके लिए हमेशा यही बद्दुआ दूंगी कि भगवान इनको भीख मांगकर रोटी नहीं मिले, भीख मांग मांग के खाए, हर तरह की बीमारी जाए। जिस तरह से इन्होंने मुझे सताया है, जिस तरह से इन्होंने मुझे पूरी दुनिया के सामने कहते ना जलील किया है, मेरा सर नीचा किया है, भगवान इनको कभी सर उठाने की नौबत ना दे। क्योंकि मुझे पता है ना मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे नहीं पता है, इन लोगों को नहीं माफ़ी करनी। और दूसरी बात, तो जो भी मेरे केशव के पापा को चढ़ाते हैं ना, मैं आज बोलती हूँ, मैंने रात भर काम किया है, मैं सबका काम धंधा सब स्तंभन कर रही हूँ। जिसने भी चढ़ाया मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन एक बात है, जो भी ये बाइलागिरी कर रहा है, भड़वागिरी कर रहा है, अपनी माँ के भूसड़े में उंगली कर रहा है, उसका आज से काम धंधा सब स्तंभन, और 72 घंटे में उसका एक्सीडेंट होगा, 72 घंटे में उसका एक्सीडेंट होगा, ये लिख के लेना। क्योंकि देखो मैं तुम्हारी औकात तक नहीं आती हूँ, भगवान ने सबको सबकी औकात दी, लेकिन केशव के पापा को चढ़ाने की गलती, दोबारा फिर ये गलती तुम लोग नहीं करोगे। एक बीवी अपने पति के लिए सब कुछ करती है, और एक पति अपनी बीवी के लिए सब कुछ करता है। अगर मैं उसके लिए करोड़ों की जायदाद भी नाम कर दूँ ना, उसको कुछ नहीं आएगा। लेकिन उस आदमी को ये बात समझ में नहीं आती, कौवा कान लेके गया ना तो वो कौवे के पीछे भागता है, मेरा कान दे मेरा कान दे, अपना कान टोके नहीं देता है मेरा कान मेरे पास है कि नहीं। कल मुझे बहुत बुरा लगा उनका बात कि वो ऐसी हरकत करते। मैंने उस आदमी के लिए अपनी बात से रिश्ता तोड़ लिया,
मैंने उस आदमी के लिए अपनी बात से रिश्ता तोड़ा, मैं आज अपनी बात से बात नहीं करती, मैं गुस्सा नहीं हूँ मेरी बात से, मैं नाराज़ हूँ, बस मेरी बात एक ही बात कहती बार बार, वो आदमी धोखेबाज है, वो आदमी तुझे कभी साथ नहीं देगा, देख लेना, उसके नाम पे गाड़ी मत कर, ये मत कर, वो मत कर, बस वो बात बुरी लगी मुझे, तो मैंने अपनी बात से रिश्ता तोड़ लिया। और वो आदमी के सामने उसकी बीवी के लिए कोई भी गलत बोलता है और ये सुन के लेता है, पलट के झापट नहीं मार सकता कि भोसड़ी के तू होता कौन है, मेरी बीवी के लिए उल्टा बोलने वाला, हाँ तू है कौन? अरे मैं उस आदमी को क्या समझाऊँ जिस आदमी को ये अक्ल नहीं है कि लोग जलते हैं आपसे, वो आपके नसीब से, कि जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं है, समझ रहे हो? और ये बात गलत फहमी निकाल देना कि विद्या देवी फंसाने को देख रही है। ज़्यादा नहीं, मेरा बेटा हो गया है 16 साल का, 2 साल और है, हो जाएगा 18 साल का, हो गई है मेरी बेटी 18 साल की, नहीं ज़रूरत है मुझे किसी के नाम पर करने का, कर लूँगी मैं। एक काम करो, बुरा लगता है ना, कितनी बार मुझे बोला है कि तू मेरे को ये देती है वो देती है, सुनाती क्या, मैं खुद बोलती हूँ तुमको बुरा लगता है ना, तुमको लगता है ना मैं फंसा रही हूँ, तो लाओ मेरा सामान मेरे मुँह पर फेंक के जाओ, बात ख़त्म। मेरे घर में है पहनने ओढ़ने वाले सब है, और फिर मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा कौन कौन माधरचोद कौन भोसड़ी वाला तुम्हारा मदद करता है, क्योंकि सब चुतमारी के कैसे मालूम है, तुम्हारी पियेंगे तुम्हारी बचाएंगे, है ना, पीने के बाद भाई भाई तू कौन है, मेरा भाई भोसड़ी वाले, तेरी माँ की गांड में घुस के मारूंगे, माधरचोद छिनाल की औलाद लोग, भाई भाई मेरा भाई तो ऐसे चढ़ाने का, एक तरह से भाभी भी बोलते हो, पीने खाने को भी चाहिए, और एक तरह से मेरे आदमी को चढ़ाते भी हो, साले तुम लोग अपनी पैदाइश को गाली दे रहे हो और मेरे से फालतू में पंगा ले रहे हो, क्योंकि मैं है ना मैं रात भर सोई नहीं हूँ ये सब बातों में, क्योंकि मुझे बात का बुरा लगा है कि मेरा पति एक नंबर का नालायक आदमी है, सही बोल रहे हो, केशव के पापा एक नंबर के नालायक आदमी है, कि उनके सामने कोई आदमी उसकी बीवी की बुराई करके जाता है लेकिन उसको अपना परिवार प्यारा है, मतलब हम औरतें फालतू, ये बात सही है कि घर की औरतें घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब चाहे लड्डू की मम्मी हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हमारी इज्जत उतार के जाता है, इस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर इसके माँ बाप और उसके भाई के लिए कोई कुछ बोलेगा तो उसको बरोबर फ़र्क पड़ता है, भले हमने अपने माँ बाप छोड़ दियो, भले हमने अपना खानदान छोड़ दियो, भले मैंने अपनी बात छोड़ दियो, चलेगा इनको, लेकिन इनका छूटना नहीं चाहिए, लेकिन अरे पलट के झापड़ तो मारना चाहिए, तू होता कौन है बायले मेरी बीवी के बारे में बोलने के लिए भोसड़ी वाले, ये बात बोलने नहीं आता, लेकिन मैं करके दिखाऊंगी ना, देखो मुझे तो नहीं पता है ना कौन है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि जब जिसका एक्सीडेंट होगा, जो 6 महीना खाट पे पड़ा रहेगा, तब तो मुझे पता चलेगा ना कि यही मेरे प्रभु को चढ़ाता था, क्योंकि अब हम अंधेरे में तीर छोड़ेंगे, और आज से अभी से जो जो लोग मेरे प्रभु को मेरे बारे में चढ़ाते हैं, ये मेरे बारे में बोलते हैं, पहली बात तो मैंने अपने प्रभु की कभी कहीं बेइज्जती नहीं की, हर जगह उनका मान रखा है, मैं सब जगह ये बोलती हूँ कि एक औरत के पीछे आदमी का हाथ होता है, मेरे पीछे मेरे प्रभु का हाथ है, लेकिन मेरे प्रभु को बात समझ में नहीं आती, वो सबके भाईचारे में घुस जाता है, तो ठीक है जिस जिसके भाईचारे में घुसा है उस भाइयों का क्या होता है वो देखो तुम, अभी ये होगा काम स्तंभ, सब कुछ स्तंभ, ना काम मिलेगा ना नौकरी मिलेगी ना धंधा मिलेगा, नौकरी रहेगी तो छूट जाएगी, एक एक रुपए के लिए मोहताज रहेंगे, जो पैसा थोड़ा बहुत घर में रहेगा वो बीमारी में जाएगा, फिर पता चलेगा कि विद्या देवी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है, विद्या देवी हर किसी को मिल जाए पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन विद्या देवी जिसको मिली है उसको इस बात के लिए चढ़ाना भी तो गलत है ना, तुम्हें क्या करने का है मैं अपनी पूरी जायदाद उसके नाम पर कर दूँ, तुम लोगों को क्यों चढ़ाने को आता है, तुम लोगों को पीने खाने मिलता है ना, तुम्हारी गांड भरती है ना, जाता है ना वो लेके, तो वही करो ना, तुम्हारी जो औकात है वो करो, पियो खाओ साइड में पड़े रहो, क्या बकवास करके घर में घुसते हो। मेरा पहला उसूल है, सारे केशव के पापा के सारे दोस्त गेट के बाहर, गेट के अंदर किसी को एंट्री नहीं हमारे, मैं उनमें से औरतें हुई नहीं कि दोस्तों को घर में बुला के आओ भगत करूँ, उनकी औकात दरवाजे के बाहर ही है, हमारे घर के अंदर उनकी कोई औकात नहीं है, बस उनकी औकात इतनी है कि मेरे केशव के पापा की दीवी झूठन खाते हैं, लेकिन मेरे केशव के पापा ये भूल गए कि झूठी दारू पिलाई जाती है, झूठा सामान, लेकिन अपना सामान उठा के नहीं दिया जाता है, जूता नहीं है नाइकी का, कपड़ा नहीं है कि उठा उठा के बांट दिया, सामान है बहुत मेहनत से लिया जाता है, इंसान को जूते दिए जाते हैं, कपड़े दिए, वो दिन भूल गए क्या जिस वक्त आरिफ जैसा आदमी तुमको एक जूते के लिए तरसाता था, और आज तुम ऐसे सामान बांटते हो, अरे गाड़ी घोड़ा कौन बांटता है यार, हाँ कौन है, इतना कौन सा धन्ना सेठ के औलाद हो कि आप गाड़ी उठा के देते हो, उठा, और मैंने कब बोला, अरे घर का माँ बाप भी होगा ना, तुम्हारे माँ बाप ने भी तुमको तब समझाया था कि आरिफ जैसे आदमी पे भरोसा मत कर मत कर, तुमने कितना बड़ा गलती किया, आज तुम्हारे माँ बाप उसको सफ़र कर रहे हैं, तुम हर बार एक गलती करके पीछे हट जाओगे, मैंने किया नहीं मुझे मालूम नहीं था, ऐसे होता है क्या, ये होता है क्या बताओ, अनाज ही खाते हो ना कि कुछ और खाते हो, समझ में नहीं आता है। अरे विद्या देवी इतनी मेहनत से सारा सामान लेती हो, हक नहीं है पूछने का, मैं अपने बच्चों को तो गाली देती हूँ, कोई भी चीज़ है लिमिट में रखो,
आज की तारीख में काम करो, इतने सारे दोस्त यार है, कभी किसी का एक फोर व्हीलर तो मांग लो, एक घंटे के लिए मैं मान जाओ कोई दे देगा तो, ये बात बताओ, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई भी अपना सामान बर्दाश्त नहीं करेगा एक घंटे के लिए। लेकिन तुम साले धन्ना सेठ के औलाद हो, ये ले चाबी, वो ले चाबी, वो ले चाबी, लेके जा। अरे एक बार इंसान दूध का जला भी आदमी छांस फूक फूक के पीता है। तुम तो इतने बड़े बेवकूफ़ हो कि तुमने देखा है एक भड़वा आरिफ जैसा मुसलमान तुम्हारे नाम पे गाड़ी लेके घूम रहा है, तुमको दे नहीं रहा, तुमको फंसा के चला गया, फिर भी तुमको दोस्तों पे भरोसा है? कैसे आदमी हो यार? और अपनी बीवी पे भरोसा नहीं जो तुम्हारे लिए जी रही है मर रही है, वो भरोसे लायक नहीं है। लेकिन ऐसे चूतिए लोग तुम्हारे भरोसे के। और दूसरी बात, मैं मुसलमान नहीं हूँ कि धोखा दूंगी, मैं ब्राह्मण जात की हूँ, इतनी औकात तो है मेरी कि मैं अच्छे खासे इंसान को भिखारी से करोड़पति बना सकती हूँ, समझ रहे हो? लेकिन मेरे दिमाग पे कोई लगता है ना तो करोड़पति से भिखारी बनाने का दम मेरे अंदर है। अब देखो स्नेहलता हाजिदा स्वाति कल रात से लग गई हैं, देखो मज़ा देखो, बस 72 घंटा मज़ा देखो, क्योंकि आज का मुझे सिर्फ गुरु बुद्ध पूर्णिमा निपटाना है अच्छे से, और बाकी का काम मेरी टीम करेंगी। देखो क्या करती है, मज़ा देखो बस। आओ जय माता दी।